Hello students, welcome to all of you in this module. बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 14 सितंबर है और हर वर्ष 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी भारत की भाषा है, राष्ट्रभाषा है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे हम अपनाएं, पढ़ें, पढ़ाएं और हिंदी दिवस को हम धूमधाम से मनाएं. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि को भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना था. इसे मंजूरी भी उसी वर्ष मिली थी. इसी के चलते इसे प्रत्येक वर्ष इस दिन पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. बता दें, हमारे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के रूप में मनाया जाता है. इस दिन देश के साथ ही विदेश में रहने वाले हिंदी भाषी लोग भी बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्तमान समय में अंग्रेजी मंदारिन भाषा के बाद हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है. आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी थी. दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के चलते अंग्रेजों भी अगले 15 साल तक इसे अपने राजभाषा के रूप में बना दिया था. आज हिंदी तीसरे सबसे बोले जाने वाले भाषाओं में से एक माना जाता है. हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य अपनी आधिकारिक भाषा को विश्व भर में प्रचार प्रसार करना है. हमारी भाषा हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी. एकता को अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी. कई कवियों ने इसे अपने अपने तरीके से कई कविताओं को बनाया है. माँ भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी. घुट्टी के साथ घोल के माँ ने पिलाई थी, स्वर फूट पड़ा वही मल्हार है हिंदी. संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी. लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करवाती है हिंदी. हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो अ से शुरू होती है और ज्ञ अ से मतलब अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ यानी ज्ञानी बनाकर ये समाप्त करती है. उच्च संस्कार वियता है हिंदी, सत्मार्ग पर ले जाती है हिंदी. तो हिंदी जो हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव करके विभिन्न विभागों को हिंदी में काम करने का बढ़ावा दिया है. हमारे देश में हिंदी भाषा एक दूसरे से जोड़ने वाली मानी जाती है और इससे राष्ट्रीय एकता को भी मजबूती मिलती है. इसी के चलते इस दिन देश के साथ विदेशों में भी हिंदी भाषा में कार्यक्रम किए जाते हैं और लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाया जाता है. हिंदी भाषा देश की एकता का सूत्र है. पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को जाता है. भाषा की जननी और साहित्य की गरिमा हिंदी भाषा जन आंदोलन की भाषा रही है. आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को लोग अपना हिंदी भाषा संस्कृत के प्रत्यक्ष वंशज हैं, इसका इतिहास गवाह है. हिंदी दिल्ली के आसपास इलाकाओं में बोली जाती है. यह दिल्ली बोली का सबसे प्रारंभिक चरण है जो आधुनिक हिंदी और उर्दू दोनों के लिए पूर्वज इस पर कार्य करते हैं. हम लोग जगह जगह देखते हैं कि स्टेशनों में हिंदी में लिखा रहता है. तो आइए हिंदी को हम धूमधाम से मनाएं, हिंदी दिवस.